नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे देती हूँ। सो हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल एवरीवन। मेरी डॉटर भी बोल रही है आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और 4:30 बजे से मतलब सोई नहीं है, तो फिर उसमें 4:30 बजे उठने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, सोए नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने 5 बजे काम ख़त्म किया, मैं 5 बजे मंदिर में होना चाहिए था बट क्योंकि लेट हो गए हैं तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड बात ले चुके हैं, अभी यहाँ बज गए हैं 5:30 और अब जा रहे हैं मंदिर अपनी डॉटर को छोड़ के, क्योंकि ठंड हो रही है और मेरी डॉटर गुस्सा कर रही है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो यहाँ पे मेरे पापा जी रात को बाजार से सारा सामान लेके आ गए थे, यहाँ पे जैसे रखे संतरे, बेर, केले और सारे जितने भी बेल पत्तर वत्तर सब कुछ जो भी भगवान जी का सामान होता है। और मेरा ये मेरे हस्बैंड जो कि सोए ही नहीं। क्या? हाँ हाँ, बोलो महादेव की जय। जय विकी, गाय वो दे दो इनको, केला दे दो। जय गाय माता। ऐसे क्यों बोल रहे हो, अकल भी नहीं है। जय गाय माता, जय नंदी जी, जय बाछी, जय महादेव। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अब कैसे करें, वो जो अंकल आ रहे थे ना वो बोल रहे चल हट हट हट, गाय को ऐसे बोल रहे थे, बाछी को भी दूध पिला रही ना, इतना अच्छा दृश्य है। वाओ, माँ और बच्चे का प्यार। ओके सो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय महादेव, हर हर महादेव, बोल दीजिए हर हर महादेव। एक्चुअली मैंने सोचा था कि हम थोड़ा जल्दी उठेंगे बट मेरी डॉटर खुद इतना लेट सोई मॉर्निंग में, वो खेल रही थी, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी हट जाती हूँ ना तो उसको लग रहा है, लग गया कि ये ना मम्मी कहीं जा रही है, तो उसका रात को सुबह तक का टाइमिंग उसका यही रहता है। अब ना वो घर पे मुझे ढूंढ रही है और अब मेरे ख्याल से 6:30 हो गए होंगे, आई गेस 6 बज गए होंगे या 6:30 हो गए होंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर फटाफट से और उसको लेके नहीं आ पाए क्योंकि जब हम निकल रहे थे अंधेरा हो रहा था, हमें लगा ठंड हो जाएगी तो इसलिए उसको लेके नहीं आ पाए। महादेव जी से बस यही विनती है कि सबके घर में खुशियाँ दें, सारे दुख दर्द दूर कर दें, सबको स्ट्रांग बनाए, हमें सभी जीव जंतु जो भी भगवान ने जिनको भी बनाया है, चाहे वो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, सब ठीक ठाक रहें, सबको सद्बुद्धि मिले और सब पे कृपा दृष्टि भगवान जी बनाए और ये कोरोना वाली बीमारी चली जाए और सब मिलजुल के रहें और बहुत 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 एकता सबके अंदर एक एकता आ जाए। सो बाय गाय माता, जय गौ माता। हे महादेव जी, हे नंदी महाराज जी, आपकी सदाई जय हो। हे गौ माता, आपकी सदाई जय हो। जय बाछी। ये हो गया है टाइम, अभी तो काफी ऐसे कैमरे में दिख रहा है कि उजाला हो गया होगा, इतना उजाला नहीं हुआ है ना।
वैसे बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद आ गया सुबह सुबह, बस और भी हम चीज़ें लेके आ जाते ना तो फिर गाय बाछी सबको कुछ ना कुछ खिला देते, लेके भी नहीं आ पाए ना इतनी जल्दी जल्दी में। भगवान की कृपा है कि यू नो कोई और आके अच्छे से खिला पिला दे। कोई बात नहीं, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दो बोल चार लोग आगे खड़े होंगे, एंट्री होगी किसकी पता, मिनट थोड़ी ना देंगे यहाँ पे। हमने कितने तसल्ली से यू नो महादेव जी ने हमें, हम कितने लकी हैं, मतलब पूरी आरती पंडित जी के हाथ से हुई है, पूरा पूरे विधि विधान से दूध दही मक्खन, वो मक्खन कह रही हूँ वो नहीं वो हनी शहद, उन सब से हुआ है, इतने अच्छे से हुआ है, हमने एक हर चीज पे हमारा हाथ लगा है। सोचो हम आ गए घर के, ये अब मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। बाय बाय एवरीवन।